तेजस्वी जी विलय करके पूरा का पूरा जदयू को अपने में समाहित कर लेंगे, दोनों मिलकर के कोई एक दल हो जाएगा, किसी का एक सिंबल हो जाएगा और जदयू के जितने नेता लालू जी के खिलाफ लड़े हैं वह अब तेजस्वी जी की चाकरी करेंगे। जब तेजस्वी जी का यह निर्णय कि वह अपनी पार्टी का सिंबल और नाम दोनों समाप्त कर देंगे तो यह बिल्कुल मैसेज क्लियर है कि दोनों दलों का विलय होने जा रहा है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री, बस औपचारिकता है बाकी। जदयू का आरजेडी में हो जाएगा विलय, बस कुछ ही मिनटों में सब कुछ हो जाएगा फाइनल। लगातार ऐसी बातें बिहार के राजनीतिक गलियारे से आरजेडी के तरफ से आ रही थी, लेकिन आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि जदयू अब आरजेडी में अपना विलय करके जल्द ही बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। लगातार आपको बता दें कि आरजेडी के कई नेता ऐसी बयान ऐसी बातें लगातार मीडिया के में करते रहे हैं। खुद शिवानंद तिवारी ने भी इस बात को कहा था। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार के पास अब बचा ही क्या है, नीतीश कुमार से जल्द ही आरजेडी अपने में विलय करा लेगी और बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव की पेशी होगी, यानी कि बिहार में मुख्यमंत्री का ताज का खेल अब शुरू होगा। कभी जदयू से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे महागठबंधन में, तो कभी आरजेडी से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। सुनिए पहले प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव के अगले मुख्यमंत्री बनने को लेकर के। आरजेडी कह रही है कि अगले 3 महीने में कार्रवाई के बाद तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तेजस्वी जी के दया पर नीतीश कुमार जी चल रहे हैं और खास करके जब तेजस्वी जी का यह निर्णय कि वह अपनी पार्टी का सिंबल और नाम दोनों समाप्त कर देंगे तो यह बिल्कुल मैसेज क्लियर है कि दोनों दलों का विलय होने जा रहा है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। कब होगा यह तेजस्वी जी की इच्छा और नीतीश कुमार जी के प्रति उनकी दया पर निर्भर करता है। विलय कौन करेगा, जेडीयू करेगी, आरजेडी करेगी, आरजेडी जेडीयू में करेगा, क्या लगता है? अभी तो तेजस्वी जी विलय करके पूरा का पूरा जदयू को अपने में समाहित कर लेंगे, दोनों मिलकर के कोई एक दल हो जाएगा, किसी का एक सिंबल हो जाएगा और जदयू के जितने नेता लालू जी के खिलाफ लड़े हैं वह अब तेजस्वी जी की चाकरी करेंगे। तो आपने प्रदेश अध्यक्ष को स्पष्ट रूप से सुना, बिहार के राजनीति गलियारे में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लगातार आरजेडी के कई नेताओं के द्वारा मुख्यमंत्री बनाने की चर्चाएं तेजस्वी यादव की चल रही है। इसके पहले में आरजेडी के विधायक इजहार असफी ने कहा था कि जल्द ही तेजस्वी यादव 1-2 महीने में बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लगभग सभी चीज़ें तैयार हो गई हैं लेकिन कुछ औपचारिकताओं का पालन किया जाना है, उसी को लेकर के अगले महीने में तेजस्वी यादव जो हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश हो जाएंगे। तो यानी कि बिहार में अब मुख्यमंत्री बनने का खेल शुरू हो गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए द बिहार टॉप, अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।